किनरीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ दो तरह की डिफरेंट चटनी, कच्ची हल्दी की चटनी और काठियावाड़ी लाल मिर्च की चटनी। ये दोनों तरह की चटनियाँ बहुत ही टैंगी और हेल्दी है। दोनों का प्रिपरेशन अलग है और आपकी थाली में एक अलग ही स्वाद भर देती है। पहले मैं कच्ची हल्दी की चटनी बनाऊंगी और फिर बाद में लाल मिर्च की चटनी। मुझे 100% विश्वास है कि आपको ये दोनों चटनियाँ बहुत ही पसंद आएगी। कच्ची हल्दी सर्दियों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कच्ची हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायी होती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कच्ची हल्दी की चटनी बनाते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर तेल गर्म करेंगे। तेल में जीरा चटकाएंगे और साथ में हींग और एक टेबलस्पून तिल डालेंगे। एक टेबलस्पून भुने हुए सिंगदाना, बारीक कटा हुआ लहसुन और एक टेबलस्पून बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे। सभी चीजों को तेल के अंदर अच्छे से फ्राई होने देंगे। अब हम कच्ची हल्दी और आंबा हल्दर के टुकड़े डालेंगे। कच्ची हल्दी आप अपने हिसाब से ज्यादा भी ले सकते हैं। साथ में धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। एक या दो टेबलस्पून चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे। सब कुछ अच्छे से थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। कच्ची हल्दी को अच्छे से दबाकर देख लेंगे कि वो अच्छे से पके कि नहीं। हल्दी के टुकड़े लगभग पकने को आए हैं और तेल भी छूट रहा है। एक चौथाई कप पानी डालकर सब कुछ अच्छे से पकने देंगे। चटनी को थोड़ी देर पानी जलने तक ढक कर पकने देंगे। पैन में डाला हुआ सारा पानी जल गया है। गैस का स्विच बंद कर लेंगे और सब कुछ अच्छे से ठंडा होने देंगे। चटनी के मिश्रण को मिक्सर जार में लेके क्रश कर लेंगे। एक पैन के अंदर तेल गरम करके हल्दी की इस पेस्ट को तेल छूटने तक पकाएंगे। इस तरह तेल के अंदर पकाने से कच्ची हल्दी की चटनी ज्यादा दिन तक रख सकते हैं। हल्दी की चटनी का टेस्ट भी दुगना हो जाता है। चटनी अच्छे से पक गई है और तेल भी छूट रहा है। गैस का स्विच बंद कर लेंगे और चटनी को सर्व करेंगे। हमारी कच्ची हल्दी की चटनी बनकर तैयार है। कच्ची हल्दी की चटनी का मजा रोटी, भाखरी या देबरा के साथ ले सकते हैं। कच्ची हल्दी की चटनी को किसी एयरटाइट कंटेनर में भर कर एक हफ्ते तक खाया जा सकता है। आज हम बनाएंगे लाल काठियावाड़ी मिर्च की चटनी। लाल काठियावाड़ी मिर्च को बीच में से काट कर बीज निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। लाल काठियावाड़ी मिर्च की चटनी को हम पारंपरिक तरीके से खल दस्ते में ही बनाएंगे। खल दस्ते में कूट कर बनाने से चटनी बेहद टेस्टी बनती है। चटनी बनाने के लिए एक प्लेट के अंदर सारी चीजें इकट्ठा करेंगे। चटनी बनाने के लिए हमने प्लेट के अंदर लाल काठियावाड़ी मिर्च के टुकड़े लिए हैं, साथ में 1 इंच अदरक के टुकड़ों को बारीक काट कर लिया है। हरी मिर्च, लहसुन और मीठे नीम के पत्ते लिए हैं। सभी चीजों को खलदस्ते के अंदर डालकर दरदरा पीस लेंगे। पीसी हुई चटनी के अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया जीरा पाउडर डालकर पीस लेंगे। चटनी को अच्छे से हमने पीस लिया है। चटनी के अंदर थोड़ा सा देसी घी डालकर मिला लेंगे।
अंत में थोड़ा सा नींबू का रस डालकर मिला लेंगे। चटनी को हमने दरदरा पीस कर तैयार किया है। दरदरी पीसी हुई चटनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। हमारी लाल काठियावाड़ी मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। इस चटनी को आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर एक हफ्ते तक खा सकते हैं। आशा है लाल काठियावाड़ी मिर्च की चटनी की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। आज इस वीडियो में बताई गई दोनों ही चटनी बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक है। इन दोनों ही चटनियों को जरूर से बनाएं।